मैं कॉलेज करना चाहूंगा बिकॉज मैंने कॉलेज नहीं की. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड ब्रेकअप इन योर सीए जर्नी एंड हैज इट इंपैक्टेड? टीचिंग के बाद अभी ये और करना है तो वो क्या होगा? तो वो बोलती है कि सर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और उसको मेरी जरूरत पड़ गई तो वो किससे कनेक्ट करेगा. अब आप समझ सकते हो इनके थॉट. नेहा तुम्हारे साथ ऐसा कोई हुआ या नहीं? इफ यू लूज ऑल योर अचीवमेंट्स या स्ट्रेंथ तो आप पहला स्टेप क्या लोगे या आप क्या करोगे फिर? Yes people, good morning, good afternoon, good evening. कैसे हैं आप लोग? I hope बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बता दूं कि बहुत बढ़िया हूं. ये इंट्रोडक्शन आपने बहुत बार सुना होगा और इस इंट्रोडक्शन से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हमारे साथ कौन है. I welcome BB sir here. Thanks a lot नेहा. और सबसे पहले मैं आप सबको नेहा को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा. नेहा हमारी स्टूडेंट थी और जब आपके स्टूडेंट इतने आगे बढ़ जाते हैं, कल मैं नेहा का यूट्यूब चैनल देख रहा था जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और इतने बच्चे प्यार देते हैं ना भाई साहब, सब लोग नेहा दीदी के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बिकॉज इतना कम टाइम में इतनी अच्छी अचीवमेंट और 1 लाख जो सब्सक्राइबर होता है. मैंने फील किया था कि लाइक जब मेरा वो सिल्वर बटन आने वाला था ना, मैं रोज देखता था कब आने वाला है. हाँ, मैं भी रोज ट्रैक रखती हूँ उस चीज़ का. तो जिस दिन आएगा ना तुमको बहुत अच्छा लगेगा. तुम बोलो कि घर वालों को कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं करेगा जब तक मैं ना करूँ और उसका वीडियो भी तो बनाना है फिर, ठीक है? तो उसके लिए और इतने कम टाइम में, और जैसा कि मुझे पता चला कि नेहा ने अभी जॉब छोड़ दी है और जॉब छोड़ के सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रही है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड बहुत अच्छा होने वाला है. सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ. आज जैसे ही मैं आई, मैंने सर को सामने से देखा, ऐसे इट्स लाइक अ फैन मोमेंट, क्योंकि अभी तक ऐसे वीडियो पे देख रहे थे सर को. और जब मैंने पहले आपकी क्लास ली थी तो उस टाइम तक हमारे लिए मतलब एक सेट नाम था. और व्हेन बीबी सर गॉट इंट्रोड्यूस तो मुझे पता नहीं था कि पता नहीं टीचर कैसे होंगे, लाइक जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आई गेव इट अ ट्राई. और जब मैं पहली क्लास हुई एंड देन द सर स्टार्टेड, यस पीपल, तो जस्ट आपकी सर जो वाइब है ना, एक ऑरा होता है हम सबका, हम ना वो स्क्रीन से फील कर पाते हैं. तो वो जो कनेक्ट बनाना पहली क्लास से, उसके बाद एक तो मैंने अपनी क्लास कंप्लीट करी और मुझे नहीं पता कि मैंने अब तक कितने लोगों को रेकमेंड करा है. किसी को होता है कि सर का ले लें क्या, फास्ट ट्रैक ले लें, बोले मैंने कहा मैं कह रही हूँ ना, एक बार लेके देखो. एंड उसके बाद जब लोगों के मेरे पास फीडबैक, थैंक यू दीदी आपने सजेस्ट करा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फैन मोमेंट था मेरे लिए आपको देखा, थैंक यू सो मच. और एक और चीज़, जैसे सर स्क्रीन पर दिखते हैं सर उतने ही लाइवली, उतने ही चीयरफुल और उतने ही हम्बल ऑफ स्क्रीन भी है. थैंक्स अलॉट यार, इतना सब बोला उसके लिए लोगों को लगेगा पेड प्रमोशन है. बिल्कुल, और मुझे भी कोई पैसे नहीं मिले इसको कहने के, बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है. एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, क्योंकि डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो जिससे मुझे बहुत डर लगता था. और जो मैं पास हुई हूँ ना ग्रुप टू में, सबसे पहले मैं ग्रुप टू में पास हुई थी और मैंने डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन आपसे पढ़ा था, दोनों में आई स्कोर 56 और 57. तो आपने लिटरली मुझे बचा लिया सेकंड ग्रुप में और मैं पास हो गई. तो आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक्स अ लॉट यार, ये सब तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारी मेहनत से तुम पास हुई हो. ये तो क्या होता है ना, बच्चे हमको क्रेडिट दे देते हैं करके, ठीक है, बट हम क्रेडिट के हकदार हैं नहीं. सिंपल सी बात मैं हर बार बोलता हूँ कि अल्टीमेटली मेहनत आप लोगों की है. और जो भी आप दुनिया में हो आज या जो भी आने वाले टाइम में रहने वाले हो, ओनली आप ही का हार्डवर्क है, आप ही का उसके टूवर्ड्स जो पैशन है, आप लोग जितना एफर्ट लगा रहे हो वही है. बट बहुत अच्छा लगा जब आपसे मिलके और आपके बारे में इतना सुन के. और मेरे को शुभम बहुत बताता रहता है तुम्हारे बारे में कि लाइक कितना अच्छा तुम कर रहे हो. तो रियली थैंक्स अ लॉट. तो मैंने एक बार, जैसे ही मैं जब सीए बनी थी ना, मैंने एक बार स्टोरी भी मेंशन करा था कि मैं जेन्युइन बताना चाहती थी सबको कौन कौन से टीचर्स हैं. और उसके बाद भी मैं कभी कुछ शेयर करती हूँ. अब आपका बर्थडे था तो मैंने पोस्ट करा था, तो उसके लिए आपको मैंने ऑडियो भी भेजा था. तो मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने आपके बर्थडे वाले दिन कहा कि बीबी सर का बर्थडे है तो मैम आप सर के साथ कुछ बात करिए ना, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं. तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करा था इंस्टाग्राम पर भी, तो ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है. यस बिल्कुल, ऑडियंस जो पूछना चाहती है वो पूछ सकती है. और आई थिंक मैं तो अप्रोचेबल हूँ, सब बच्चे ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं. सर पहले तो बच्चों का ही सवाल था कि सर से मिल कैसे सकते हैं, बता दीजिए सर से मिलना है हमको. मैं ना जितने भी बच्चे हैं उनसे बोलना चाहूँगा, जब भी आप सीए बन जाते हो, सीए बनने के बाद मुंबई आते हैं ना, तो सबसे मैं मिलता हूँ. और जब से रिजल्ट आया ना, मेरे को ऐसा लग रहा है एक भी सैटरडे या संडे ऐसा नहीं गया होगा जब मैं किसी बच्चे से नहीं मिला हूँ. तो लेकिन मैं मिलता हूँ जब आप सीए बन जाते हो, ये कंडीशन है. देख रहे हो मोटिवेशन है, अब ये सीए जल्दी से जल्दी बनने का सर बोल रहे हैं, सर मिलेंगे खुद. यस, तो सीए बन जाते हैं उसके बाद मैं मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है. और मैं हर बच्चे से पूछता हूँ आगे जाके क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो. और जैसे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जब इतना अच्छा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है.
नेहा, इसमें है ना, आप बहुत बार ऐसा लगता है कि लाइक अपने पेरेंट्स को ज़्यादा खुशी होती है, बट मैं बता दूँ, हम टीचर्स लोग जो होते हैं ना, हमारे लिए रिजल्ट क्या है, हम कब बोलेंगे कि यार हम अच्छा पढ़ाते हैं या हम कुछ अच्छा करते हैं, जब आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी। और बहुत बार जब डीमोटिवेट होते हैं तो हम देखते हैं ना यार कि नहीं यार, ये बच्चे ने क्या आपको लिखा था, क्या मैसेज किया था, और जब वो वापस से हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और एकदम अंदर से फील होता है कि नहीं यार, वी हैव टू डू इट। ओके, तो सर यहाँ से मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपकी लाइफ में अगर कभी वैसा मोमेंट हो कि बहुत मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, और कभी कभी अपने प्लान्स पर भी ऐसे डाउट होता है कि आगे क्या चलेगा, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली, पर आपको कभी कभी ऐसे डाउट नहीं होता फ्यूचर प्लान्स को लेके, या खुद पे डाउट, या कैसा चलेगा आगे? मेरे को होता था, मतलब इनिशियल फेज में जब मैं टीचिंग में स्टार्ट किया तब होता है, हर किसी को होता है, क्योंकि आप सीए बने रहते हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो मुझे लगता था यार क्या करे, टीचिंग में जाए, जॉब करे, प्रैक्टिस करे, बट उसके बाद में मैंने डिसाइड कर दिया कि नहीं यार, मुझे जाना टीचिंग में ही है। और मेरे को ये लगता है कि जितना जल्दी आप ये चीज़ डिसाइड कर पाते हो कि नहीं यार आपको ये करना है, उतना जल्दी आप अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, राइट? बिकॉज नहीं तो क्या होगा ना, हर बार आपको लगता रहेगा कि नहीं यार ये 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 ये, और बाद में आपको लगना नहीं चाहिए कभी यार कि शायद वो कर लिया होता तो ठीक था उस टाइम पे। नहीं, जो है आप डिसाइड करिए एक दिन और डिसाइड करिए और उसके टूवर्ड्स आप वर्क करने लगिए। और सीए की डिग्री को लेके मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार ये एक ऐसी डिग्री है ना, अगर आप कहीं पे भी नहीं सक्सेसफुल हुए या आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी जॉब कर लेंगे, 1,00,000 रुपया तो मिल ही जाएगा, आज की डेट में सबको मिलता है करके, ठीक है तो उतना तो मिल ही जाएगा। सो दैट मोटिवेट्स मी। और वहाँ पर मुझे ये पहले लगता था, बट उसके बाद जब से टीचिंग चालू किया, लाइक टीचिंग में आई गेव माई 100%। मैंने उसके बाद कभी नहीं सोचा कि मैं चलूँगा नहीं चलूँगा, बच्चे पढ़ेंगे कितने पढ़ेंगे, चीज़ें होती गई। और मैं जो कर सकता था, मेरे को लगता था मेरे हाथ में क्या है, दैट इज़ पढ़ाना। तो जो आपके हाथ में रहता है ना, वो आपको करना चाहिए, बाकी आप चीज़ें छोड़ दो, उससे आपको क्या मिलने वाला है। आजकल मैं बताऊँ ना, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जब नए नए स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मेरे को आके बोलते हैं, सर यार हम भी टीचिंग में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? मैंने बोले पैसे बहुत है इसलिए टीचिंग में आना चाहते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं, 6-7 महीने ट्राई करते हैं, अगर वो क्लिक नहीं होता तो वो बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं हम जॉब कर लेते हैं, बहुत सारे लोग वैसे भी होते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि आप अगर पैसे, आप रिजल्ट देख के आ रहे हो करके, ठीक है पैसे मिलेंगे इसलिए टीचिंग में जाना है, आप नहीं हो सकते सक्सेसफुल। मुझे ये लगता है कि आपको टीचिंग कराना है तो उससे पैसे से बाय प्रोडक्ट करके, ठीक है आप बाय प्रोडक्ट देख के नहीं आ सकते किसी भी चीज में। तो आजकल ना बहुत सारे बच्चे टीचिंग में आना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप आ सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज एंड द थिंग इज कि अगर कोई सीए फाइनल का स्टूडेंट है, वो किसी नए टीचर से कैसे कन्विंस करे खुद को कि मैं क्लास लूँ? तो नया जो बच्चा आने वाला है टीचिंग में, वो सोचता है कैसे हो, ऑलरेडी एक रेपुटेड नाम है और हर कोई रिलायबल टीचर, ऑथेंटिक टीचर के पास ही जाना चाहेगा। तो जो नया एज अ टीचर आ रहा है कोई, तो उस क्या माइंडसेट रखे, क्योंकि उसे लगेगा कि कोई मुझसे क्यों पढ़ेगा, इतने रेपुटेड टीचर्स हैं, सब उन्हीं के पास जाएंगे, तो वो किस मेंटालिटी के साथ या किस माइंडसेट के साथ आ सकता है? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जो मुझे ये लगता है कि कोई भी, मतलब हम जैसे जब टीचर आपस में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है ना, कोई भूखा नहीं रह सकता। और इंडिया के लिए नेक्स्ट 10 ईयर इज ओनली फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, इसमें कभी रिसेशन नहीं आने वाला। और टीचिंग में अगर आप आ रहे हो और आप देख रहे हो कि नहीं यार मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर है, मेरे से बच्चे क्यों पढ़ेंगे, पहली चीज़ तो आपके पास कुछ नया होना चाहिए, आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए। आपका यूएसपी क्या है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा वो ये कर रहा है, वो का वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और वो ऐसा कर रहा है वैसा का वैसा मैं कॉपी कर लेता हूँ। और वहाँ पे मेरे को ये लगता है कि अगर आप वही करोगे ना जो दुनिया कर रही है, तो कुछ नहीं हो सकता। आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। जैसा तुमने बोला कि भाई अगर ऑलरेडी मार्केट में कोई एस्टेब्लिश प्लेयर है और कोई नया प्लेयर आना चाहता है या नया पढ़ाना चाहता है, तो लोग क्या सोच के आएंगे? कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए आपके पास, कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए आपके पास में। तो मेरे को ये लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, नॉट ओनली सीए। एक और चीज बता दूं, टीचिंग डज नॉट मीन कि आप सीए ही पढ़ा रहे हो। सीए एक बहुत छोटा सा एरिया है, बाकी जो चीज़ें वो कितनी ज़्यादा है, लोग हर फील्ड में पढ़ा सकते हैं, 11th-12th के स्टैंडर्ड को पढ़ा सकते हैं आप करके, ठीक है आप फाउंडेशन में पढ़ा सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए इंडिया में टीचर ही नहीं मिलते, उसमें आप पढ़ा सकते हैं। तो एक तो क्या होता है ना, आपको है ना
जब आप टीचिंग में आना चाहते हो तो आप पहले क्या करते हैं, लोग अपने लिए एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लेते हैं कि मैं तो अभी फाइनल में यही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, और अगर उसमें के क्लिक नहीं हुआ तो भाई साहब वो डीमोटिवेट हो जाएगा, मेरे को नहीं करना। True. और ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, अरे सर हमने टीचिंग में ट्राई दिया, 6 महीने दिया, कुछ नहीं हुआ, एंड वी एग्जिट करके, ठीक है। वैसा नहीं करना, पहली चीज़ तो आपको एक टीचिंग में आना है तो आप टीचिंग में कुछ भी पढ़ाओ ना, आप इनिशियली हो सकता है आपको छोटे लेवल पे पढ़ाना पड़े। मैंने 12th पढ़ाया है बहुत टाइम, मैंने फाउंडेशन पढ़ाया, फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ाया मैंने, फाउंडेशन का लॉ पढ़ाया मैंने, इंटरमीडिएट पढ़ाया, मैं कॉस्टिंग पढ़ाता था, कॉस्टिंग के बाद मैं डीटी पढ़ाया करके, ठीक है। तो आपको टीचिंग में आना है, जस्ट गो विद द टीचिंग, और जो आपको मिलता है इनिशियली वो आप पढ़ा लो, जो आपको मिलता है वो पढ़ा लो, और उसके बाद में धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, फिर आप वो पढ़ाना चालू करो और चीजें बनती जाती है बहुत। तो वो प्रोसेस में समझ आती है। हाँ। तो यहाँ तो एक चीज जो सब बच्चों को लगता है या सबने मुझसे पूछा भी कि सर ने डीटी ही क्यों चुना, सर डीटी में ही कैसे, इट वॉज अ प्रोसेस। आपको वहां से थोड़ा प्रोसेस में फिगर आउट हुआ कि ये ऐसा एरिया है जहाँ मैं ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आप जो है वो मेरे डीटी में अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला आप डीटी भी पढ़ा लो। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं 2012 में मेरा रिजल्ट आया था, जनवरी 2012, और मई 2012 में मुझे सीए फाइनल पढ़ाना था, बट मैंने वो पढ़ा लिया क्योंकि मेरे को पढ़ाना था, मेरे को पैसे चाहिए थे यार, मेरे को पैसे चाहिए था कहीं से भी आए, अल्टीमेटली वो मेरी नीड थी, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। देन आई स्टार्टेड डीटी, और जैसे ही मैंने डीटी पढ़ाना चालू किया उसके बाद मुझे उसमें मज़ा आने लगा। मैं जब बच्चों के रिएक्शन देखता था, जब फेस टू फेस क्लासेस होती थी, जब डीटी का लेक्चर 3 घंटे ओवर हो गया उसके बाद भी बच्चे को लग रहा है यार अभी तो लेक्चर ही कैसे हो गया, इतना जल्दी 3 घंटे निकल गया, बच्चे बोलते थे यार सर इतना जल्दी टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, आई हैव टू टीच द डीटी। एंड मार्केट में देखो क्या होता है ना, आप अगर ये सोचोगे जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो सचिन खेलता था तो शायद कौन सोचेगा यार कि भाई सचिन खेल रहा है तो हमको टीम में मौका भी मिलेगा, बट लोगों को मिलता है ना। तो आपको अपनी जगह खुद को क्रिएट करनी पड़ती है इन द मार्केट, और आपको कुछ ना कुछ नया डिफरेंट देना पड़ेगा तभी आप आगे कर सकते हो। तो सर आपकी बात से मुझे की टेक अवे मिला जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी चीज में आना है ना तो पहले ये मत देखो कि कितना पैसा है इसमें। अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी डाली कि आस्क मी एनीथिंग, मैक्सिमम क्वेश्चन थे कि आप कितना कमाते हो, फिर मैंने दूसरी स्टोरी डाली कि क्यों पूछ रहे हो आप किसी के पैसे, आपको क्या करना है। फिर उसमें मेरे पास आया मैसेज कि हमें ना कॉन्टेंट क्रिएशन में आना है तो हम जानना चाहते हैं कि कितना पैसा है तो आएंगे। आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि फिर अगर मैं ये सोच के आती, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से कुछ कभी मोनेटाइज भी होता है या कितना होता है या उससे क्या है वेन्यूज खुलेंगे। तो ये प्रोसेस है, एक बार आओ देखो। और ये चीज आपने कहा पैशन वाली, जब आप पैशनेट होते हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट, आपको टीचिंग से प्यार है, से प्यार है, सीधी सी बात तो वो प्रोसेस में आपको समझ आएंगे। जब आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल इतना पैसा चाहिए तो आप दिमाग में कैलकुलेट करते रहते हैं कि इतने बच्चे नहीं आ रहे हैं, नहीं मिलेगा, इतना पैसे की फिर डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अपने पैशन पे ध्यान देना है। यस, और नेहा इसको मैं एडिशन करना चाहूंगा कि जैसे तुमने कंटेंट क्रिएशन चालू किया तो तुमको पता नहीं था ना कि भाई तुम जॉब छोड़ दोगी और हाँ, तुम ये करने वाली हो हाँ। तुम पहले डिसाइड नहीं कर सकती है ना, बहुत सारी चीज़ें फ्लो में होती है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। अब कोई बंदा पहले डे पे ये सोचता है कि नहीं नहीं मेरे को तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रोफेसर बनना है, सबसे अच्छा प्रोफेसर बनता है, आप नहीं वो सोच सकते यार, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं बताऊँ मेरी लाइफ में 2012 में मैंने पढ़ाना चालू किया था सीए बनने के बाद, जो प्रोफेशनली पढ़ाता था, उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं मेरे राजस्थान में जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता था, 12th वालों को, 11th वालों को। मैंने 2012 में जब टीचिंग चालू किया था तो सच में मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बच्चों को पढ़ा पाऊँगा और बच्चों से इतना प्यार मिल पाएगा, मैंने कभी नहीं आई नेवर इमेजिन, मैं सोच ही नहीं सकता था। क्या होता है ना, बहुत बार चीज़ें होती जाती है, आप चलते जाते हो चीज़ें होती जाती है। मेरे साथ क्या हुआ, इन 2016 जब जियो आया, और जियो आया और तब लोग यूट्यूब देखने लगे, पहले यूट्यूब नहीं था, बिकॉज पहले देखते ही नहीं था कोई, पैसे डेटा के पैसे लगते थे, कौन देखेगा। तो जैसे ही जियो आया लोगों के पास में एक पर डे 1 TB जो डेटा है वो फ्री था, 1 GB। तो मैंने क्या किया कि मेरे बच्चे बहुत बार पूछते थे कि सर है ना डीटी हमने कंप्लीट तो कर दिया और हम लास्ट डे भी रिवाइज नहीं होता। तो इन 2016 आई हैव रिकॉर्डेड द रिविजन लेक्चर ओनली फॉर माई स्टूडेंट, वो मैंने मेरे स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड किए थे और मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, एंड वो चीज़ क्लिक हो गई, इंडिया में बहुत सारे लोग उसको देखने लगे, हमारी बुक्स आई, उसके बाद में मैंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट की,
फ्रेंचाइजी स्टार्ट की, फ्रेंचाइजी के बाद में हमने प्रोवाइज बनाया 2019 में, उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद वापस से हम पेनड्राइव मोड पे आ गए। तो क्या होता है ना, आप चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपना हार्डवर्क कर सकते हो। और मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर आप हार्डवर्क करते हो ना तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है, भले वो आज मिले या दो साल बाद मिले। तो अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी उस दिन, अगर मैं तैयार नहीं होता, मैं रेडी नहीं होता, तो शायद मैं वो नहीं कर पाता। सो जब कोई भी इंसान, कोई भी किसी भी फील्ड में, आप अपने में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके साथ में ऐसी चीज़ें होगी कि जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी और वहाँ पे यू शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर आप रेडी हो ना, देन यू कैन डू वंडर्स। बट अगर आप उस टाइम रेडी नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो टीचिंग में आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो काम करने चाहते हो, पहली चीज़ तो उसके साथ में आप ईमानदार रहा करो। बिकॉज आप जो काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा जरूरी काम ही है, काम ही ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज आप कैसे पहचाने जाओगे लोगों को क्या चाहिए ना। लाइक मेरे को एक धोनी का एक सेंटेंस है, वो बहुत बढ़िया लगता है। वो बोलता है कि हम लोग कभी भी रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते थे, वी जस्ट फॉलो द प्रोसेस। कि आप प्रोसेस में कितनी मेहनत कर रहे हो, और प्रोसेस में कहीं पे कोई अगर प्लेयर मेहनत नहीं कर रहा है तो वो गलत है। राइट। तो यहाँ पे जो मेन इज अ प्रोसेस, आपके लिए मेन है आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो मेन इज अ कंटेंट क्रिएशन। अगर कंटेंट में दम ही नहीं है तो मार्केटिंग और बाकी चीज क्या हो जाएगा? इस पे 2 लाख व्यूज होने चाहिए, 5 लाख होने चाहिए, 10 लाख होने चाहिए, वो तो नहीं हो सकता ना यार। सो दैट इज व्हाट माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, जो लोग किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जस्ट फोकस टू योर वर्क, जो आप करना चाहते हो। बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कैसा है करके, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो कुछ टाइम चल जाएगा, कुछ टाइम एक बार हाइक आएगा, बट उसके बाद वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं चलेगा। सो यू शुड फोकस टू योर प्रोडक्ट एंड आई कैन से दैट प्रोसेस। इससे मैं एक जो की टेक अवे आप ले सकते हो, एक ना अलाउ लाइफ टू हैपन। आप बहुत ज्यादा ना ऐसे स्टिक मत रहो चीजों पे। जैसे सर ने कहा कि आप कॉस्टिंग पढ़ा रहे थे, डीडी की फैकल्टी अवेलेबल नहीं थी, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई एंड यू टुक इट की ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। क्या हो जाएगा? मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सीधी सी मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे अटके रहते हैं वहाँ पे कि नहीं हमने ऐसा सोचा है कि कोई डिग्री में है, यही डिग्री चाहिए। मैंने कहा वो आपकी जर्नी है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। अगर कोई रास्ता है, लाइक अलाउ लाइफ टू हैपन। अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी आई है आपके कुछ अच्छे के लिए आई होगी, उसको ले तो लो ना, एक्सपेरिमेंट तो करके देखे ना। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। तुम्हारा नहीं चला होता तो तुम जॉब तो कर ही नहीं। जॉब कर रही थी मैं, डन। मैं आजकल बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो बोलते हैं सर है ना हम कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, और एक्सपेक्टेशन के सर इसमें इतना पैसे मिलेंगे, क्या वो कितना पैसे देते हैं, क्या देते हैं। अरे तू कुछ तो बना, पैसे देता है। मैंने पूछा कि हाँ आप एक, आप फिर कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टूल्स नहीं है। मैंने कहा 10,000 का या कितने, मेरे का 10,000 का फोन था मेरे पास, ट्राइपॉड माइक कुछ नहीं था, जो आता था रिकॉर्ड करा। स्टार्ट तो करो ना, हम सोचते हैं पूरा परफेक्ट करेंगे तब करेंगे, और फिर ये सोचा है तो यही चलना चाहिए। यस, मैं बताऊं, मैं मेरी बात बताता हूं। जब मैं लाइक टीचिंग में ऑनलाइन आया ना, तो पहला बैच मैंने कैसे रिकॉर्ड किया था कि मेरे पास कैमरा नहीं था। कैमरा नहीं तो मैंने मेरे फ्रेंड से कैमरा लिया, DSLR। और DSLR में एक रूल होता है कि उसमें रिकॉर्डिंग आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, 10 मिनट्स के बाद उसको बंद करके चालू करना पड़ता है। तो वाइट बोर्ड था अपने पास में क्लासरूम का, और मैंने वो कैमरा लगाया, और मैं वहाँ पे एक वॉच लगाता था, स्टॉप वॉच, और मुझे पता था 10 मिनट के बाद मुझे जाना है कैमरे के पास, बंद करके और वापस आना, और वापस 10 मिनट ही पढ़ाना है, ठीक है। सो हाउ आई स्टार्टेड, यू नो दैट, मैं जाता था 10 मिनट वहाँ पे, फिर आने के बाद मैंने बोर्ड पे पढ़ाया 9 मिनट के करीब का कंटेंट, मुझे पता है 10 मिनट होने वाले हैं, मैं वापस जाके कैमरे पे और बंद करता था। उसके बाद वो कैमरे की बहुत छोटी छोटी क्लिप बन गई लेक्चर की। फिर उसके बाद मैं अब उनको ज्वाइन करना, अब अपने पास एडिटर भी नहीं है, तो एडिटर भी खुद को ही बनना पड़ेगा, तो मुझे एडोब प्रीमियर आता है करके, ठीक है, मुझे वेगस प्रो आता है करके, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मैंने सीखे कि यार इसको कैसे एडिट करना है, क्योंकि मैं जा रहा था आ रहा था, उसका भी वो साथ में आ रहा था, उसको कट करके उसको ज्वाइन करना है, ट्रिम करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो चीजें हैं ना, लाइक लोग क्या सोचते हैं कि ये सब हो जाएगा ना फिर हम करेंगे। हाँ। मेरे को लगता है ये गलत स्ट्रेटेजी है। आप एक बार करो ना, जो आपके पास रिसोर्सेज है यार, जो आपके पास रिसोर्सेज है, जितने मिनिमम रिसोर्सेज है उससे आप एक बार ट्राई तो करो। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी चीजें अच्छी होगी, तो ऐसे भी चल जाएगी। बिकॉज मेरे को आज भी बहुत सारे प्रोफेसर मिलते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेसर, तो वो बोलते हैं कि सर यार हमारे पास है ना ऐसा कोई वो सेटअप नहीं है, हमारे पास आईपैड नहीं है, ठीक है, हमारे पास आईपैड नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है, ग्रीन स्क्रीन नहीं है, हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है। मैंने कहा यार तू पढ़ाना चाहता है ना, तेरे पास कहीं ना कहीं बोर्ड तो मिल ही जाएगा, वाइट बोर्ड,
जस्ट पढ़ा के देख ले, अगर ढंग का पढ़ा रहा है तो यू कैन डू द वंडर। इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और एक और चीज की हमें लगता है कि हमें ना साथ में बहुत लोग चाहिए, टीम चाहिए, पूरा एकदम परफेक्ट एडिटिंग होनी चाहिए, परफेक्ट सारी चीजें, महंगा कैमरा, महंगा सेटअप, तब कुछ काम होगा। ये प्रॉब्लम का है ना, ये लोगों को देख रहे हैं, यहाँ समस्या कहाँ पे आ रही है? एक बिगिनर लेवल का ना बीबी सर को देख रहे हैं, बीबी वर्चुअल्स का पूरा सेटअप लगा है, देखो सर ने स्टार्ट कहाँ से करा था, जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। सबको वहीं से स्टार्ट करना है, आपको करना पड़ेगा करके, ठीक है? हर किसी को वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो जितने आपके पास रिसोर्सेज है जस्ट यूटिलाइज दैट एंड करो। और लोग क्या करते हैं ना, कंपेयर करते हैं हर चीज में, कि लाइक यार ये तो वहां पे है तो मेरे को वहीं से चालू करना है, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो जहां हो, और एक ये थॉट माइंडसेट रख के कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा, लोग नहीं देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, लाइफ बहुत है, 23-24 साल में लाइफ खत्म नहीं होती है। और ऐसा कुछ ये नहीं कि फिगर आउट कर लेना है सब कुछ, ट्राई देना चाहिए हर चीज को, ट्राई देना चाहिए, गिव इट अ ट्राई, हां ट्राई दो, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। स्टार्टअप मैं कल देख रहा था कहीं पे, कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि स्टार्टअप ओनली लाइक 1-2% स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, तो शायद मैंने सोचा कि वो 100 लोग ट्राई दे रहे हैं ना, तब उसमें 1-2 हो रहे हैं। शायद आप भी कोई चीज में अगर 100 ट्राई दे रहे हो अलग अलग चीजों में, तो कहीं ना कहीं तो क्लिक हो जाएगी चीजें, तो ट्राई देना चाहिए। और एक और क्वेश्चन सर, जैसे आपने शुरू करा, जर्नी बताई आपने थोड़ी, तो जब आपने डीटी में, अब आपने जब शुरू करा सीए फाइनल का डीटी आप पढ़ा रहे हो, उस टाइम पर एक रेप्यूटेड फैकल्टी है, तो बच्चों ने आपको कैसे एक्सेप्ट करा? तो कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लेते होंगे, पर कुछ लोग से क्रिटिसिज्म आता होगा या कंपैरिजन आता होगा, तो आपने वो कंपैरिजन फेस किया क्या, और किया तो फिर आपने उसको डील कैसे करा? देखो दो चीज़ें हैं, लाइक जब भी आप न्यू आते हो तो पीपल विल कंपेयर विद सम फैकल्टी, और मेरे को लगता है कि जब आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए करके, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं कंपेयर हो रहे हो किसी के साथ। तो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2016 में मैंने ऑनलाइन चालू किया, तो ऑब्वियसली अभी वीजी सर ने रिटायरमेंट ले लिया, बट बहुत सारे लोग जो है वो वीजी सर से कंपेयर करते थे कि यार बीबी सर आए, वीजी सर आए, आई रियली रिस्पेक्ट हिम करके। अभी मैंने उनका रिटायरमेंट के बाद उनसे बात भी हुई मेरी, तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतना टाइम इस फील्ड को दिया है, सो रियली वी आर ऑल प्रोफेसर आर ग्रेटफुल बिकॉज उन्होंने पढ़ाया है, बीइंग कॉम्पिटिटर एंड ऑल तो चीज़ें ठीक है। बट पहले क्या होता था ना, जब आप कहीं पे भी नए आते हो तो आप लोगों को, आपको कंपेयर करते हैं, आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। देखो इस ऑनलाइन वर्ल्ड में आज की डेट में क्रिटिसिज्म में दो तरीके का हो सकता है, एक तो कंस्ट्रक्टिव है, जेन्युइन है, कि जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार यू कैन इम्प्रूव, और आपको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता था जब मैं कॉम्पैक्ट आज की देखता हूँ 2023 के लिए जो कॉम्पैक्ट है और जो 2017 में थी, कितना फ़र्क है यार, बिकॉज मैंने सोचा कि नहीं यार इसमें जो जो चीज़ें हैं आप ठीक कर सकते हो आप करो, वो रिफाइंड प्रोडक्ट हर बार बनता जाता है। मैं लेक्चर जो पहले लेता था अब लेता हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्रिटिसिज्म जो है वो सही है, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, आप उसको अच्छे से आप इम्प्रूव करिए अपने आप को। दूसरा बहुत बार क्या होता है कि लाइक देर आर सम ट्रोल्स बोल सकते हैं, या बहुत बार आपके कॉम्पिटिटर भी ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई फेक अकाउंट बना के लाइक आपके बारे में कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको ये उन चीज़ों से ज़्यादा अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करना है। बिकॉज क्या होता है ना, आप किसी भी फील्ड में, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द टीचिंग, आप अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आपके लिए भी ये होता होगा कि आपके लिए कुछ कोई कुछ बोल देगा, पर कभी कभी होता है थोड़ा, जैसे ठीक है आई गॉट द बाइफर्केशन, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे को है ना नींद नहीं आती थी, अगर मान लो किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया इनिशियल डे, नींद आपको पूरी रात यही सोचते रहोगे यार ऐसे कैसे बोल दिया किसी ने, मैंने इतना बुरा तो थोड़ी कोई पढ़ाया। और क्योंकि आपने आपने बहुत अच्छी इंटेंशन से पढ़ाया, आपने बहुत अच्छी इंटेंशन से इतना रिवीजन वीडियो डाला, अब किसी ने आके उस पे हेट लिख दिया, अब आप कैसे, आप ठीक है हमें नहीं लेना चाहिए, पर वो यार ये ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स आता है ना, तो वो कैसे डील करते हो आप या कैसे किया? एक दो दिन तो मतलब आपको ऐसा लगता है, आपको बार बार क्लिक करेगा यार, बट मैं बताऊं उसमें कुछ लोग हो सकता है जेन्युइन है, बट कुछ लोग वैसे होते हैं जो भाई वो हर वीडियो के नीचे वही लिखने वाले हैं। Okay. अब उन्होंने चैनल ही आपका सब्सक्राइब इसलिए कर रखा होता है कि उनको उसके नीचे कुछ ना जैसे नोटिफिकेशन आए फटाफट जाके हेट लिखना है, सब्सक्राइब भी उसलिए कर रखा है कि वीडियो देखेंगे भी नहीं, विद इन 5 सेकंड उनका कमेंट आ जाएगा, विद इन 5 सेकंड इफ यू अपलोडेड एनी वीडियो। तो मेनी टाइम क्या होता है, जस्ट इग्नोर दैट, दैट इज द बेस्ट वे करके, ठीक है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि आप उसमें घुसोगे या उसको, और एक चीज बता दो, इस दुनिया में आप कितने भी अच्छे हो 5% आपके क्रिटिक्स मिलेंगे ही, लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, ठीक है, तो हमने तो एक्सेप्ट कर लिया ये कि ऑनलाइन आए हो तो ऑनलाइन आए हो आप, क्योंकि वो इंसान के सामने एक कीबोर्ड है, हाँ उसकी आइडेंटिटी है ही नहीं, बहुत बार
फेक अकाउंट है, आइडेंटिटी है ही नहीं, उसको जो मर्जी है वो लिख लो, बट वो आपके सामने जब आएगा तो वो नहीं लिख सकता, वो बोल नहीं सकता करके, ठीक है? तो उसमें ये है कि ऑलवेज थिंक अबाउट द 95% पीपल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको प्रेस कर रहे हैं, जो आपसे सेटिस्फाइड है. एंड अगर मुझे ये लगता है कि अगर मेजोरिटी आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो हो सकता है भाई अपन को कहीं उतना कहीं इम्प्रूव करना है, बट अदरवाइज अगर 5-6% लोग ऐसे है तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस टू आप जो कर रहे हो उसको एंड जस्ट इग्नोर इट. बिकॉज अगर आप ये साथ में लेके चलोगे ना तो आप अपना जो दे पा रहे हो वो आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा बेस्ट. तो इसमें एक तो हम माइंडफुल रहे इस चीज से, इसका ऐसा कोई प्रो सॉल्यूशन नहीं है, आपको बस अवेयरनेस और माइंडसेट रखना है कि ठीक है एक्सेप्ट इट कि कुछ परसेंटेज होगा जिसको कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, तो उतना एक्सेप्ट कर लें. तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपकी कॉम्पैक्ट आपका प्रोडक्ट रिफाइन होता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें एट्रीब्यूट्स आपने और रिफाइन करे या कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई, एज अ पर्सन आपने क्या क्या बदला देन वर्सेस नाउ बीबी सर में, वो बताइए सर. यस, तो मैं बताऊँ, पहली चीज़ तो लाइक मेरे को इतना प्यार मिला ना बच्चों से, लाइक मैंने नहीं सोचा था, या कभी कभी मुझे लगता है यार शायद मेरे में जितनी क्वालिटी है उससे ज़्यादा प्यार मिला हो जाए करके, ठीक है. और अभी भी जब बच्चों के जब मैसेज आते हैं, रिजल्ट आते हैं, बच्चे कहीं डीमोटिवेट होते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं सर आपका एक लेक्चर देख के मैं मोटिवेट हो गया, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर यार इतने टाइम से एग्ज़ाम दिया था और शायद मैं आपका ये लेक्चर देख के मैं पास हो गया, समझ रही हो? वो हुआ अपनी मेहनत से है, बट कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है ना, उसको लगता है कि यार उसको एक सहारा होता है ना कहीं करके, ठीक है, कि वो सहारा मिल गया, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है. उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लाइक जब आप आगे बढ़ते हो, जब आपके साथ टाइम जाता है, वैसे वैसे आपको थोड़ा हम्बल बनना चाहिए, आपको लोगों की एज वेल एज चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये मेरे में चेंज आया, लाइक मैं चीज़ों की लाइक जब आप पहले पहले सीए बनते हो तो आपको लगता है कि यार आप ही सब हो, हम ही हमें और कोई नहीं है करके, वैसा नहीं है. बट आपको मैं बताऊं, लाइक बहुत बार ये होता है कि पढ़ाते टाइम भी, अभी तो मैं बताऊं इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बट बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको पता नहीं है, तो पहले मेरे को लगता था यार ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को पता नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरे को पता नहीं, ठीक है मेरे को कैसे नहीं पता चला. बट मैं बता दूँ, इस दुनिया में एक बुक है शायद, उस बुक में कहीं लिखा हुआ है कि मेरे को नहीं पता ये कहना सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है. राइट, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ वीक पर्सन, दिस इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. एग्जैक्टली, आपको नहीं पता करके क्या फर्क पड़ता है उससे करके, ठीक है. तो ऐसी काफी चीजें हैं, और मैं बताऊं इट इज अ लर्निंग इज अ प्रोसेस. मैंने बच्चों से बहुत सीखा है, आप जैसे लोगों से बहुत सीखा है, बिकॉज लाइक मैं बताऊं, मैं जब फेस टू फेस पढ़ाता था मैं काफी चीजें मैं सीखा बच्चों से, तो मेरी लाइफ इज ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मेरे में इम्प्रूव हुई, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. तो एक सवाल ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा पूछा था और मुझे भी पर्सनली पूछना है आपसे, कि स्क्रीन पे तो देख के आई कैन सेंस दैट यू आर वेरी काम एंड वेरी हम्बल, पर मैं जब आज आपसे मिली तो आई कैन लिटरली फील यू हैव सो फ्रेंडली वाइब, सो वेलकमिंग यू आर, यू स्टे सो काम, सो चीयरफुल, सो स्माइली स्माइली. तो इतना काम और इतना हम्बल रहने के पीछे क्या राज है, वॉट मेक्स यू सो काम पर्सन? देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी गुस्सा आता है बहुत बार, बट आप अपने आप को, मेरे को ये लगता है आपको काम रखना चाहिए. जो चीज़ें आपको लाइफ में डिस्टर्ब करती है ना, लाइक आप काम कब नहीं रह सकते जब आपको कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रहा है, जस्ट यार इग्नोर इट. आपको उसको साथ में लेके नहीं चलना है, बिकॉज मैंने कहीं पर सुना है कि यू आर अ स्काई, आप हमेशा रहोगे. एंड अपना ऑरा बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा सोचना है लाइफ में, कि नहीं यार मेरे को वहाँ तक जाना है, मेरे गोल क्या है, मेरे को आगे बढ़ना है. तो शायद ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, ये आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी. सो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि कभी जो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती है मैं इग्नोर दैट, और आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना आना चाहिए, आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए, तो चीज़ें हैं वो हो जाती है, मेरे को ये लगता है हो जाती है. अच्छा, तो सर ने जो बात कही ना वो बहुत गहरी बात है. अब इसका अगर मतलब लिटिल मतलब समझो इसका, कि मैं आकाश सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, दैट जस्ट सो डीप सो प्रोफाउंड. आपसे हम ऐसी बातें ही एक्सपेक्ट करते हैं सर, ऐसे शांत. और आपने कहा कि नहीं मुझे गुस्सा भी आता है, मैं लगता है कोई कुछ आपको गुस्सा भी आता होगा तो नहीं बेटा मत करो, ऐसे स्माइल करके आप कह देते होगे बस. नहीं मुझे गुस्सा आता है, मतलब कोई जैसे एक बच्चा है वो क्लास में बार बार, देखो गुस्सा आता है तो आप क्या करोगे,
अब अल्टीमेटली मैं उसको सुना तो नहीं सकता, वो छोटे बच्चे होते हैं और इंटरमीडिएट वाले जो डाउट पूछते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, और मुझे ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है इंटरमीडिएट वालों को। फाइनल वालों देख रहे हो? अरे नहीं, फाइनल वालों को फाइनल वालों को मजा आता है, बट इंटरमीडिएट वाले क्या ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आप जैसे उनको जिधर ढालना चाहते हो वैसे ढाल सकते हो, आप जैसे मोड़ना चाहते हो उनको आप मोड़ सकते हो, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। आप उनको बोलोगे ये होमवर्क करके आना है तो वो होमवर्क करके आएंगे। फाइनल वालों को क्या लगता है ना कि भाई साहब हम तो हो गए हैं, ये है सर्विस प्रोवाइडर और हमें सर्विस रिसीवर करके, ठीक है तो हमारा रिलेशन ये है। बट इंटर वाले बच्चे हैं वैसे, बट फाइनल वालों से भी बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों से मिलकर। बट फाइनल वाले अपने आप में मैच्योर हो जाते हैं, बट इंटर वाले काफ़ी छोटे होते हैं। और मैं इसके लिए आप जैसे लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप बच्चों को इतना मोटिवेट करते हो, बिकॉज मैं देखता हूँ ना बहुत बार बच्चों को गाइड करना, आपके वीडियोस देखते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं कि नेहा मैम क्या क्या बोल रही है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितना अपने आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, और मैं तो जो जो लोग ऐसा ये काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं, करते रहना चाहिए। आप कुछ ना कुछ ट्राई करिए, आप भी अगर सीए बने हो और रियली आप मोटिवेट करना चाहते हो बच्चों को तो आपको करना चाहिए। और बच्चे जानना चाहते हैं व्हाट डे इन बीबी सर्स लाइफ लुक लाइक, कैसा दिन जाता है सर आपका? देखो लाइक अभी तो मैं बताऊं, मेरे मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस रहते हैं, सुबह 7 to 10 का बैच रहता है, तो 7 to 10 मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ। 7 to 10 के बैच के बाद थोड़ा घर पे आते आते 11 बज जाते हैं, फिर थोड़ा पढ़ना भी रहता है कि क्या पढ़ाना है, बिकॉज बच्चों को लगता होगा इनको तो सभी आता होगा, ऐसा नहीं इनको होता तो है। पहले ही अमेंडमेंट आती है, इनको तो पता ही होगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है फाइनल के लिए, तो खासकर पढ़ना पड़ता है। और जब से निर्मला सीतारमन जी है तब से तो बहुत अमेंडमेंट्स आ रही है, टॉपिक के टॉपिक चेंज हो जाते हैं, इतनी अमेंडमेंट्स आती है, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको बुक्स बनानी है। शाम को वापस लेक्चर होता है, तो जुलाई से लेके फेब का यही शेड्यूल है कि जहाँ पे आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों लेक्चर है, बट मार्च अप्रैल मई में मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, जब मुझे सिर्फ रिविज़न लेक्चर देने हैं या अमेंडमेंट लेक्चर देने हैं, वैसी चीज़ है। और क्या होता है ना, जब आप ज़्यादा बच्चे को पढ़ा रहे होते हो तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी रहती है, तो दिन पूरा पढ़ाने में ही चला जाता है। ट्रू। तो सर एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि मेरे पास ना बहुत सारे मेल्स आते हैं अभी कि बच्चे ना भाई प्रेम प्यार में लगे हुए, मंत्रमुग्ध प्यार में, कि दीदी मेरा रिलेशनशिप था और हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो कोई एक एक क्लियर कर गया है, एक नहीं करा है, तो अब हम ऐसे फंस गए हैं वहाँ, मेरे पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, हम क्या करें। और ये मुझे लगता था कि ये तो छोटी बात होती, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब सिलेबस तो हो जाएगा बाद में, पहले ये अटेम्प्ट तो आता रहेगा, वो तो दो महीने दो बार आएगा साल में। प्यार बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है बच्चों का, ऐसे हार्ट ब्रेक बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। तो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या आप कभी ऐसे फेज में थे कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड ब्रेकअप इन योर सीए जर्नी एंड हैज इट इंपैक्टेड? लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ है, पहले 6 महीने खराब किए मैंने भी अपनी लाइफ के, बट वो सीए से पहले हो गए थे, ये सबसे अच्छा? अच्छी चीज थी कि वो सीए से पहले ही हो गए थे करके, ठीक है। अभी उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताएंगे क्योंकि हमको भी घर पे जाना है, बट मैं आपको बताऊं, ये सच बता रहे हो आप जो बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं हमारे पास भी, मैसेज आते हैं, अभी तो इतने बच्चों से बात नहीं कर पाते, बट जब हम फेस टू फेस पढ़ाते थे तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। अभी एक बच्चे का मैसेज आया, कॉल आया पहले मेरे पास, एक लड़की उस किसी लड़के के साथ रिलेशन में है और उसने बोला कि सर लाइक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि भाई आप उसको मोबाइल स्विच ऑफ करिए, आप अपने मम्मी को दे दीजिए एंड उसके बाद में आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो वो बोलती है कि सर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और उसको मेरी ज़रूरत पड़ गई तो वो किससे कनेक्ट करेगा। अब आप समझ सकते हो इनके थॉट, भाई जरूरत उसको तेरी पड़ेगी, कौन सी जरूरत पड़ने वाली है, अभी तुम्हारे लिए ज़्यादा जरूरी पढ़ाई है यार, जस्ट फोकस टू इट। और मैं बताऊँ बहुत बार जब आप ये, और छोटी एज में नेहा ये होता है, मतलब आप होता है, आप देखोगे छोटी एज में ये चीज़ें होती है, जब आप 17, 18, 19 की एज में हो, मेन IPCC वाले बच्चे जो इंटरमीडिएट, हाँ, वालों का तो हो चुका है, उनका तो सेटल हो गया है या तो बट मैं बता दूं कि लाइक आप जब 5-6 ईयर के बाद में जब जाओगे तो आपको ये चीज़ जो आप कर रहे हो इस बड़ा गिल्ट फील होगा, आपको लगेगा कि लाइक क्या कर रहे थे, नेहा तुम्हारे साथ ऐसा कोई हुआ या नहीं? बिन देयर डन दैट, अभी लगता है कि हम क्या ही कर रहे थे और क्यों ही कर रहे थे, कर रहे थे तो वैसी वाली चीज़ है। तो मेरे को ये लगता है जो आपके करियर गोल्स है, आपके पढ़ाई है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट मत हो उससे, इतना अवेयरनेस रखो कि हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल, और किसी को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने फोन बंद कर दिया तो, कुछ नहीं होगा, सामने वाला मैनेज कर लेगा, उसका ध्यान रखने के लिए उसका परिवार है, आपके पास अपना परिवार है, प्लीज़ अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इतना ज़्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है।
तो सर एक वन लाइनर्स या ऐसे रैपिड फायर जैसा करते हैं, सो हैज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक लाइफ डिसीजन अगर आपको चेंज करना हो या एक रह गया हो कि काश मैं ये कर लेता, व्हाट विल दैट बी? मैं कॉलेज करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने कॉलेज नहीं की, 12th के बाद कॉलेज जो है वो प्राइवेट में दे दी, CPT किया, फिर PCC, फिर फाइनल। तो बिकॉज कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो मेरे को ये लगता है अगर एक चीज़ करने को मिले तो मैं कॉलेज करना चाहूँगा। परफेक्ट। एंड वन पर्सन यू लुक अप टू? लाइक मेरे को ये लगता है ऑलवेज सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन इन द लाइफ। जो आप और मैं मोटिवेट करते हैं शायद ये लोग 2 दिन इम्पैक्ट करेगा, 3 दिन इम्पैक्ट। आई ऑलवेज से दिस कि चलेगा नहीं ज़्यादा, चलेगा नहीं ज़्यादा, वैलिडिटी नहीं है ज़्यादा, ठीक है? वैलिडिटी सबसे ज़्यादा खुद की मोटिवेशन की है। तो मेरे को ये लगता है कि जो आप कल थे आज आप उससे कितना बेटर हो। मैं जो लास्ट बैच में था शायद इस बैच में मैं कितना बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, कितना अच्छे से दे पा रहा हूँ। सो आई थिंक दैट मोटिवेट्स मी। ओके परफेक्ट। और टीचिंग तो सर चल रही है अभी, तो उसके बाद अगर आपको कुछ करना हो कि अब टीचिंग के बाद अभी ये और करना है तो वो क्या होगा? टीचिंग के बाद अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं 2 में से 1 चीज़ करना पसंद करूँगा, या तो मैं बिज़नेस करना चाहूँगा। बिकॉज बिजनेस क्या होता है ना, आप लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर रहे होते हैं, लाइक जो स्टार्टअप है जो लोग कर रहे हैं आज, यार आप सोच नहीं सकते अपन बात कर रहे हैं ऐसे, और ये किसी ना किसी ने तो बनाया है। बंदा भले बिजनेस कर रहा है बट उसने इन्वेंशन तो किया है। क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो एक हमारी स्कूल में एक लाइन लिखी होती थी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हमको लगता था ये बड़ी नॉर्मल लाइन है। मेरे को सच में समझ में अब आई, मैं एक दिन बैठा था, मैंने कहा इस लाइन का मतलब क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मीन्स नीड जो है उसी से इन्वेंशन होता है। तो जो लाइफ में चल रहा है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये समस्या है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो एक तो बिजनेस है मुझे लगता है, अदरवाइज पॉलिटिक्स, आई लव टू डू दैट, लाइक बिकॉज पॉलिटिक्स में आप बड़े लेवल पे चीज़ें चेंज कर सकते हो, आप पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप बहुत सारी लाइफ्स को टच कर सकते हो। तो सर कहेंगे इतने अमेंडमेंट्स मत लाया करो, हम पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं, तो सर वो चेंज करेंगे। ओके सो आपकी 2 बेस्ट क्वालिटीज। लाइक देखो मेरी क्वालिटी मुझे पता नहीं, बट जैसा लोग बोलते हैं कि आई एम हार्ड वर्किंग, और वो मुझे भी लगता है बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता लाइफ में, वर्क ही कर रहे हैं तो हार्ड वर्किंग। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ चीज़ों में, ये मुझे लगता है जैसा लोग बोलते हैं, मैं अपने आप में नहीं बोल रहा बट लोग मुझे बोलते हैं तो मैं बोल सकता हूँ। तीसरी मैं अपनी साइड से ऐड करूंगी, हाउ हम्बल ही इज, कि लोग बोलते हैं मैं तो, यू आर सो स्वीट। ओके सो 1 biggest लाइफ lessons यू learned इन योर करियर। देखो मुझे हमेशा ये लगता है कि लाइक कोई भी चीज़ है ना वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली, इट इज़ गोइंग टू चेंज, और लाइफ इज ऑल अबाउट द अनप्रिडिक्शन। आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते चीज़ों को, बस आप फ्लो के साथ में चलिए, मोमेंटम बना के रखिए। मोमेंटम जो चीज़ होती है ना, कि लाइक मोमेंटम बना के रखिए, आप एवरी डे आप अपने आप को बोलिए कि नहीं यार वी हैव टू डू इट, तो यू हैव टू अपडेट एवरी डे, यू हैव टू अपग्रेड एवरी डे। ये 2 चीज़ें हैं जो अपडेट अपग्रेड आपको करते रहना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली। और मोमेंटम बना रहना चाहिए, वो चाहे बातचीत का हो चाहे आपकी पढ़ाई का हो, तो अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। 1 advice यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स? मैं एडवाइस जो बच्चों को देना चाहूँगा वो यही देना चाहूँगा कि लाइक योर, लाइक आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो एग्ज़ाम की आपको इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी करके, ठीक है? कि दैट इज़ द रियली आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ अ गोल्डन अटैम्प्ट इन योर लाइफ, आप 100% दे दो, मतलब जितना आप कर सकते हो ना, जितना आप दे सकते हो उसको दे दो, आप यार 100% दे दो। उसके बाद आपको लगना नहीं चाहिए कि यार शायद थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो पास हो जाती, वैसा नहीं होना चाहिए। और आपने जो 100% मेहनत की, और अगर फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं भी हो पाता है तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप रिवाइज करके कर लोगे, तो वही मैं बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, लाइफ में कभी भी आप डीमोटिवेट ना हो। लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेज आएंगे जब आपको लगेगा यार अपने पास में कुछ भी नहीं है करके, ठीक है? तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना, करते रहना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा था, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था वो, वैसे तो मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग, बट जस्ट इन केस इफ यू लूज ऑल योर अचीवमेंट्स या स्ट्रेंथ, तो आप पहला स्टेप क्या लोगे या आप क्या करोगे फिर? देखो मुझे लगता है कि अगर सब चला जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा डीमोटिवेट होंगे, बट उसके बाद आप अपने आप को कैसे संभालते हो, और उसके बाद क्या चीज़ आप कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, दैट इज़ द हार्ड वर्क। सो आप हार्डवर्क करें, वापस खड़े हो जाए और अपने आप को मोटिवेट करें, एंड फिर आप अपना काम चालू करें। एक कविता है कभी, लाइक दैट इज़ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
उसके जो लास्ट चार लाइन है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, बहुत अच्छी लगती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे ये लगता है आपके हाथ में कोशिश करना है, बाकी सब चीज़ें जो है वो आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में वो करिए। तो मेरे पास अगर कुछ ना रहे तो मैं सब मेहनत कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और जैसा कि सर ने कहा कि हम आकाश हैं, बाकी तो बादल वेदर आता जाता रहेगा, तो आप ये देखें कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाकी जो आउटकम होगा वो छोड़ दीजिए, ऊपर हो जाएंगी चीज़ें अपने आप ठीक। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वंडरफुल हैविंग दिस इंटरेक्शन विद यू। थैंक्स अलॉट नेहा, एंड बहुत अच्छा लगा, बिकॉज लाइक आप लोगों से बात करके बहुत पॉजिटिवनेस मिलती है, और पॉजिटिव लोगों से बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप नेगेटिव लोगों से बात करोगे तो खुद को डिस्टर्ब करोगे, तो बेटर है ऑलवेज लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। थैंक्स अलॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और जो आप ये कर रही हो ये सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा कर रही हो, और सच में इसका आपको फ्रूट मिलेगा बहुत अच्छा। थैंक्स। मैंने भी सर को पैसे नहीं दिए ये कहने के लिए, सर आपको, सर ने बिल्कुल जेन्युइनली मेरी तारीफ करी है, थैंक यू सो मच। नहीं सच में अच्छा कर रही हो यार, मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जब मैसेज करते हैं कि नेहा दीदी है, लाइक सब लोग नेहा दीदी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और लाइक इसको करते रहो, और कभी भी हम लोगों की हेल्प लगे तो आप बोलिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आपको स्क्रीन से सामने देखना प्लेजर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।